हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शाइन विद शीतल। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फिर से इंडियन वेडिंग मेकअप लुक। ये जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने ग्रे साड़ी पहनी है, तो मैंने भी ऐसे ही ग्रे सिल्वर मेकअप किया है इसके साथ। तो ये इंडियन और वेस्टर्न दोनों ही आउटफिट पे अच्छा लगेगा। और ये आप जैसे कि हेयर मेरे देख सकते हैं, मेरे नेचुरली ऐसे वेवी हेयर नहीं है। ये मैंने कैसे बनाए हैं, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी बहुत पहले, तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी अगर आप जानना चाहते हैं तो। और अगर आप मेरा लुक ये जानना चाहते हैं कि मैंने कैसे क्रिएट किया है, तो मेरी वीडियो को आगे तक देखें। इसमें मैंने सॉफ्ट स्मोकी किया है, जो कि ग्लैम है, ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं है। मैं इसमें सिर्फ आपको आई मेकअप ही दिखाऊंगी, फेस मेकअप मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। आई मेकअप स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले काजल लेना है। वो काजल बहुत ज़्यादा स्मज होना चाहिए। मैंने यहाँ पे काजल लिया है, ये TS ब्रांड का है। TS ब्रांड के नेल पेंट्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मुझे लगा था काजल भी अच्छा होगा, बट ये अनफॉर्चुनेटली इतना अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा स्मज होता है। तो इस वीडियो में मैं इसी को ही यूज़ करूँगी। इसको मैं अपने लैशेस के क्लोज लगा रही हूँ। आपको बिल्कुल भी परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत अच्छे से लगना चाहिए, आप उसको कैसे भी लैशेस के क्लोज लगाएँ। इसके बाद आपको एक पेंसिल ब्रश लेना है और लैशेस के क्लोज उस काजल को स्मज करना है। वाटर लाइन के लिए मैं यहाँ पे अच्छा काजल यूज़ कर रही हूँ, ये है स्टेकवर की काजल। ये स्मच प्रूफ और वाटर प्रूफ है, तो आप वाटर लाइन के लिए ऐसा ही काजल यूज़ करें। आई मेकअप के लिए मैं हिलेरी रूड आई शेडो पैलेट लूँगी। इसमें से मैंने एक पेंसिल ब्रश पे मैंने ग्रे और पर्पल मैट आई शेडो दोनों को मिक्स करके उस काजल के ऊपर लगा के थोड़ा सा स्मच किया है। फिर एक स्मॉल फ्लैट ब्रश पे इस ब्राउन शिमर आई शेडो को मैं, जो इससे पहले आई शेडो मैंने लगाया था, उसके ऊपर लगाऊंगी। और मैं ज़्यादा ऊपर क्रीज में ब्लेंड नहीं करूंगी। आप चाहें तो इस आई मेकअप को यहीं तक रख सकते हैं, बट मुझे इसे थोड़ा सा और ग्लिटरी ग्लैम बनाना है, तो मैं यहाँ पे ये हिलेरी रोडा का सिल्वर आई लाइनर ले रही हूँ एक फ्लैट ब्रश पे। और फ्लैट ब्रश से लेने के बाद मैं उसे अपने ब्लैक जो मैंने आई शेडो लगाया था, स्मच किया था, उससे थोड़ा सा ऊपर मैं लगा रही हूँ। और बिल्कुल सीधे सीधे लगा रही हूँ, ज़्यादा ऊपर नहीं लगाऊंगी। इसके बाद आ जाती हैं आईब्रोज। आप आईब्रोज को किसी भी पेंसिल या फिर ब्राउ पोमेट से फिल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर हिलेरी रोडा ब्राउ पेंसिल से फिल कर रही हूँ। इसमें आपको स्पूली भी मिलती है, तो बहुत अच्छा है। आप एक साइड से फिल करें, दूसरी साइड से आप अपनी आईब्रोज को कॉम करें। इसमें दो शेड्स आते हैं, ब्लैक एंड ब्राउन। मेकअप रेवोल्यूशन फेस पैलेट इन द शेड यू आर गोल्ड में से ये हाइलाइटर शेड को मैं अपने ब्राउन पे लगा रही हूँ। ये बहुत छोटा सा स्टेप है, बट आप करेंगे तो आपका आई मेकअप बहुत अच्छा लगेगा। समर है, वैसे तो आपको लिक्विड लिपस्टिक लगानी चाहिए, लेकिन मैं इस वीडियो में लिप ग्लॉस लगा रही हूँ, क्योंकि ये मेरा न्यू परचेज है और मेरा मन कर रहा था लिप ग्लॉस लगाने का। यह है इनसाइड का लिप ग्लॉस इन द शेड 06। आखिर में बचता है सेटिंग स्प्रे। मेबलिन सेटिंग स्प्रे को मैं अपने फेस पे स्प्रे कर रही हूँ। ये आपके फेस को मैट बनाता है और 4-5 आवर्स तक आपके मेकअप को सेट भी रखता है।
अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और साथ में उस बेल आइकन को भी क्लिक कर देना।